हमारे प्रति कृपा नहीं, कृपा कैसे करेंगे? आधार कहाँ? तुम्हारे आधार नहीं है। अगर थोड़ा सा छटा मिल जाएगा ना, थोड़ा सा छटा मिल जाएगा ना, हमको खूब मिल गया, बस भजन भजन छूट जाएगा, गुरु बन के बांटना शुरू करेंगे। आ वाओ सब्जी बजाओ, हमको मिल गया है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा छोटा कुछ उसमें ही गुरु बन जाते हैं ऐसे है। इसीलिए भगवान वो वस्तु देते हैं, उस वस्तु पाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए तीव्र उत्कंठा व्याकुलता। देखो कृपा होता नहीं, कृपा है। पिता का अतुल संपत्ति है ना, वो संपत्ति पुत्र के लिए रखा गया है, पिता ले नहीं जाएंगे है ना, रखे हैं पुत्र के लिए। लेकिन अबोध पुत्र जब तक रहता तब को थोड़ी उसको दिया जाता है ना। तो कृपा तो है तुम्हारे लिए, रखा है कृपा, कृपा होता नहीं, कृपा है, लेकिन तुम्हारे अयोग्यता के कारण वो कृपा हमको अनुभव हो नहीं पा रहा है। जैसे सूरज है, सूरज किरण है, लेकिन बादल छाया हुआ है, बादल के कारण सूरज दिखता नहीं है, बादल हट जाएगा, किरण है कृपा। तो भगवत अंश ना, जीव चैतन्य सत्ता तो भगवत अंश, तो कृपा तो भगवान हर समय कर रहे हैं, नया करके क्या करेंगे? तुम्हारा अनुभव नहीं, तुम्हारा ऐसे मानसिकता है नहीं, स्थूल मानसिकता, देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, जिस कारण वो कृपा हम अनुभव कर नहीं पाते। एक बार एक राजा अपने मंत्री को कहते, मंत्री जी चलिए खजाना, राजाओं का पहले जो गुप्त खजाना रहता था, गुप्त खजाना बहुत, सब कोई जान नहीं पाते कहाँ पर रखा है, कहाँ पर वो इधर उधर से नीचे जाकर के उधर से ऐसे बहुत सारे रखा जाता था खजाना, गुप्त खजाना। तो मंत्री को लेकर, मंत्री जी बहुत दिन हो गया खजाना नहीं देखे, चलो खजाना देख के आ जाए थोड़ा सा। उस समय तो बिजली थी नहीं, एक लालटेन लेकर के राजा मंत्री जा रहे हैं, आगे राजा पीछे पीछे। और राजकुमार जो था ना छोटा सा बालक, वो देखा पिता कहीं जा रहे हैं रात के समय, तो बच्चा पीछे पीछे चल दिया, टुक 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 टुक, पिता देखा नहीं जो बच्चा पीछे आ रहा है, तो दर्जा खोल के भीतर से अंडरग्राउंड कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है नीचे, राजा जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, आस्ते 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 आस्ते, राजपुत्र का पीछे पीछे वो भी टुक 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 करके राजपुत्र भी पीछे पीछे चल दिए। तो जा करके तो वहाँ जो पेटी है, बक्सा है, उसको खोल करके देख रहे हैं, हीरा मोती सब ऐसे बड़े बड़े सब रखा हुआ है, खोल करके देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, वो बालक पापा पापा करते करते घुस गया। राजा कहे, अरे मंत्री जी मंत्री जी मंत्री, सत्यानाश हो गया, ढाको 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 ढाक दो, जल्दी ढाको। मोदी ठाठा के हार दिया, बोले महाराज समझ में नहीं आता है ढकने का क्या है, बोले दिखता ना बच्चा आ गया, अरे हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ये संपत्ति किसके लिए रखा है, आपने किसके लिए रखे हैं, इसका मालिक कौन है, आप तो चले जाएंगे, ये तो मालिक है ना। अरे मंत्री जी आपका दिमाग खराब हो गया, इसके लिए रखा है, लेकिन अभी ये बालक है, इसका कीमत नहीं समझेगा, ये देखेगा चमकीली सब हीरा जवाहरात, पर हमको देव 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 रोना शुरू करेगा, देंगे तो खिलौना समझ करके बाहर देगा, दो मिनट पीछे कहाँ फेंक देगा, उसका कीमत तो जानता नहीं है, उसको देंगे, उसके लिए रखा है, जब समझदार हो जाएगा ना तब हम खुद ही बुला के उसको ले आएंगे, दिखाएंगे, देख बेटा ये जो संपत्ति हमने कष्ट करके संचय किया ना, ये तेरे लिए, इसका मालिक तू है। वो तो मालिक है, अब तुमको बोध नहीं है ना। इस तरह से वो कृपा अनमोल है, और कृपा के अधिकारी समस्त जीव जगत है,
भगवत सत्ताईस सरांश जीव विनाशी है। भगवान वो कृपा क्या करेंगे, खाएंगे क्या? भगवान नहीं चाहते कि समस्त जीव जगत आ जाए मेरे पास? वो जो भगवान के दिव्य धाम है वो है त्रिपाद विभूति, और ये माया जो जगत जो है यह भगवान का एक पाद विभूति। समस्त अनंत कोटि माया जगत भगवान का एक पाद विभूति। अनंत कोटि माया जगत अगर भगवान के चित जगत में प्रवेश कर जाए तो एक कण में ऊपर रहेगा, एक कण में। वो कितना बड़ा है कैसे उसका, तो ये तो एक दिग्दर्शन है। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत है, अनंत है ना, उसका माइनस करो अनंत, माइनस करो इज इक्वल टू कितना होगा, अनंत। तो अनंत है ना, है ना, क्यों अनंत है ना। तो इसलिए ये भगवान का खेल है, जीव जगत जानता नहीं है जी कौन सा वस्तु खो के हम क्या क्या वस्तु प्राप्ति कर रहे हैं, कौन वस्तु आशा लेकर के हम दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं। कुछ चेतन नहीं, कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, नहीं कोई आनंद सुख शांति किसी को मिला नहीं, किसी को मिलता नहीं, फिर भी जीव जगत मोहितों का संसार चक्र में इस तरह से डूब रहा है, फिर भी लौटने के लिए कोई चिंता नहीं। थोड़ा सा देने से क्या कभी वो लौट सकता है? कुछ दिया नहीं साधन में, कोई ऐसा वस्तु दिया नहीं, कोई ऐसा खास अनुभव दिया नहीं, थोड़ा सा अनुभव कभी कभी कुछ झलक दिखा उस भजन करते करते भाई ठाकुर जी तो कृपा करके कभी कभी कुछ तो अनुभव देते ही है साधक को। जो साधक एकमात्र हरिभक्ति जीवन के उद्देश्य लेकर के भगवान चरण में शरणागत होकर के गुरु कृपा आश्रय करके जो भजन करते हैं तो भगवान उसको उस अनुभूति देते हैं। क्या अनुभूति देते हैं? देते हैं देखो मैं सत्य हूं, मैं हूं, इतना विश्वास तो दे देते हैं, इतना विश्वास उसको ठोस करके दे देते हैं। देखो आप वो वस्तु नहीं देते हैं क्योंकि कुछ दिया नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा साधन करके गुरु बन जाते हैं। गुरु ले वाह वाह कृपा कृपा, अरे कुछ मिला नहीं, कुछ है नहीं, कुछ था नहीं, तो अभी गुरु बन के तुम बांटना शुरू कर दिया और वो वस्तु को थोड़ा किंचित तुम्हारे हाथ में आ गया तुम क्या करोगे? तो जगत गुरु बन जाएंगे। जगत गुरु अभी तो ऐसे ही हम लोग बन रहे हैं, इसीलिए भगवान वो कृपा तो रखे हैं लेकिन वो अनुभव उन्हें नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि उसका जो महत्व है वो समझ नहीं पाता है। कृपा है, कृपा होता नहीं, कृपा है, बादल से छाया हुआ है सूर्य जो प्रकाश है, बादल रहने के कारण प्रकाश दिखता नहीं लेकिन किरण है सूर्य है, बादल हट जाएगा प्रकाश। हमारे भीतर भोग वासना माया ममता रूपी बादल जो छाया हुआ है ये बादल हटने से प्रकाश प्रकाश कृपा पूर्ण रूप में प्रकाश कृपा विद्यमान है सबके लिए, एक अमीबा से लेकर ब्रह्मा तक। मनुष्य शरीर तो बहुत दूर की बात है, किं पुनर्वन ब्रह्मना पुण्य भक्त राजस तथा उसके क्या बात है, स्त्री अवश्य शूद्र तथा स्त्रिय भी जानती परंगतिम किं पुनर्वन ब्रह्मना पुण्य भक्त राजस तथा। हे अर्जुन स्त्री वश्य शूद्र नीच जाति आदि वही भी हमारे शरण में आता है, स्त्रीय भी जानती परंगति उसके लिए भी हमारी कृपा है, हमारी सत्ता है ना। इसलिए कृपा कब होगी ये शब्द संपूर्ण भूल, हमारे बुद्धि कृपा नहीं, कृपा कैसे करेंगे, आधार कहां, तुम्हारे आधार नहीं है। अगर थोड़ा सा छटा मिल जाएगा ना, थोड़ा सा छटा मिल जाएगा ना, हमको खूब मिल गया बस भजन भजन छूट जाएगा, गुरु बन के बांटना शुरू करेंगे, आ वाह साहब जी बजाओ हमको मिल गया है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा छोटा कुछ उसमें ही गुरु बन जाते हैं ऐसे। इसीलिए भगवान वो वस्तु देते हैं
उस वस्तु पाने के लिए क्या चाहिए, चाहिए तीव्र उत्कंठा व्याकुलता, जब और कुछ नहीं चाहिए। एक पत्र राधा रानी की कृपा, जिस जन्म में कृपा कैसी हमको चाहिए, हमको चाहिए दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, उस वस्तु अच्छा नहीं लगता है, आप हृदय जल रहा है, दमनल जैसे जल रहा है, कब कृपा होगी, कब कृपा है। तो इस तरह से जब तक तीव्र उत्कंठा लालसा उस वस्तु प्राप्ति के एकमात्र साधन है, लालसा उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा, कृपा होता नहीं। सुन लो, कृपा है। आप तुम कितना अधिकारी हो कृपा, तुम कैसे कितना अनुभव करोगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भीतर दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति कितना आसक्ति है, कितना लालसा है, भगवान के प्रति कितना उत्कंठा है, कितना व्याकुलता है, है ना। ये बात है, कृपा होता नहीं, कृपा था, है, रहेगा।